हे गाइस दिस इज कपिल का दिन वेलकम बैक टू वंस अगेन तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर नाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आज आपके लिए मैं एक माइंड मैप्स लेके आए तो इस माइंड मैप्स के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे ओनली फ्यू मिनट्स के अंदर जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग ए सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ ए अपोजिटली चार्ज आयस और ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो देखिए इसमें किसकी बात की गई है जो सेंट्रल मेटल आयंस हैं वो सराउंडेड बाय किसके सराउंडेड बाय हैं बेसिकली नंबर ऑफ ए अपोजिटिवली चार्ज आयंस और ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारे पास एग्जाम्पल सी यू एन एस थ्री और ये ब्रैकेट हमारे पास और उसके बाद फोर और ये ब्रैकेट बड़े वाली है टू पॉजिटिव अब इसके अंदर यदि बात करें जो कॉपर है हमारे पास दिस इज ए सेंट्रल मेटल आयंस अब इसमें यदि एनएस की बात करें अमोनिया हमारे पास क्या है दिस इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और यदि फोर की बात करें बेसिकली बच्चों दिस इज ए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ये हमारे पास क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटी क्या होती है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल आइटम और आयंस बाउंडेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ़ ए आयस और ए मोलिक्यूल आप बेसिकली इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है कि जो कोर्डिनेशन कंपाउंड है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयंस और आइटम्स बाउंडेड टू ए किसके साथ बाउंडेड है बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ ए आयंस और मोलिक्यूल के साथ उसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटी तो एग्जांपल हमारे पास ये है नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल मेटल आइटम और आयंस क्या होते हैं कि इन इन्हें कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटी द एटम और टू विच ए फिक्स नंबर ऑफ ए आयंस और ए ग्रुप आर बाउंडेड टू ए डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट इसके अंदर क्या होगी बेसिकली एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी अराउंड इट दिस इज कॉल्ड इज ए सेंट्रल मेटल आइटम और आयंस उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयंस इन ए कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ए लीगेंट डोनर एटम जो बेसिकली क्या होते हैं नंबर ऑफ ए लीगेंट डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड जो किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे बेसिकली मेटल के साथ नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा कि इन ए सेंट्रल एटम और आयंस एंड द लीगेंट अटैच टू लीगेंट बेसिकली किसके साथ अटैच होंगे टू ए इनक्लोज इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट एंड इट इज ए कोलेक्टिवली टर्म्स इन दी कोर्डिनेशन स्पेयर अब इस केस के अंदर क्या होंगे बेसिकली कोलेक्टिव इन टर्म ऑफ ए कोर्डिनेशन स्पेयर की द आयोनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट जो आयोनाइजेबल ग्रुप होंगे बेसिकली वो कहाँ पर आडाउन करोगे आप स्केयर ऑफ दी ब्रैकेट से बाहर उसको हम क्या बोलेंगे दिस इज ए काउंटर आयंस अब इसके अंदर हमारे पास है आई यू पी एस सी नोम क्लेचर ऑफ ए मोनो न्यूक्लियर कोर्डिनेशन कंपाउंड अब इसका आई ओ पी एस सी नोमन क्लेचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ये हमारे पास रूल्स हैं ये देखिए सबसे पहले कि द सेंट्रल आइटम इज लिस्टेड फर्स्ट जो सेंट्रल आइटम होंगे उसको सबसे पहले आप क्या करोगे लिस्ट नंबर वन में डालोगे सेकेंड हमारे पास है इसके अंदर कि द लिगेंट्स आर देन लिस्टेड इन ए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो लीगेंट्स होंगे बेसिकली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के रूप में होंगे उसके बाद द प्लेसमेंट ऑफ ए लीगेंट इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी बेसिकली चार्ज के ऊपर थर्ड पॉइंट हमारे पास कि पोलीडेंटेड लिगेंट आल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली उसको भी आप लिस्टेड कैसे करोगे बेसिकली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसके अंदर कि द फार्मूला फॉर द इंटायर कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटी इज इनक्लोज इन दिस स्केयर ब्रैकेट जो फार्मूला होगा बेसिकली इंटायर ऑफ द कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटी इनक्लोज कहाँ पर करोगे उसको स्केयर ब्रैकेट के अंदर कि वैन एलिगेंट्स आ रहे पोली एटोमिक जब लिगेंड्स क्या हो हमारे पास पोली एटोमिक देर फार्मूला आर इंक्लोज इन ए उसको आप क्या किसमें इंक्लोज करोगे बेसिकली पैरथीसिस के अंदर कि लिगेंट एब्रीवेशन आर आल्सो इंक्लोज इन दी जो हमारे पास लिगेंट का एब्रीवेशन होगा उसको भी इनक्लोज करोगे किसके अंदर पैरेंथीसिस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसके अंदर कि देर शुड बी नो स्पेस कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए किसके बीच में लिगेंट और सेंट्रल मेटल आइटम के अंदर इन ए केस ऑफ ए कोडिनेशन स्पेयर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि द फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज कोऑर्डिनेशन इंटेंटिटी टू बी रिटर्न विदाउट कॉन्ट्राइंस तो उसको बिना कॉन्ट्राइंस के आप बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि द चार्ज इन द इंडिकेट जो चार्ज होगा बेसिकली इंडिकेट कहाँ पर होगा आउटसाइड ऑफ दिस स्कीयर ब्रैकेट एज द राइट सुपर स्क्रिप्ट विद ए नंबर ऑफ ए बिफोर दी साइन नेक्स्ट इसके अंदर है द चार्ज ऑफ ए कैटाइन इज बैलेंस बाय द चार्ज ऑफ ए अनयन जो चार्ज होगा बेसिकली कैटाइन का वो किसकी हेल्प से बैलेंस करोगे चार्ज ऑफ एनाइंस तो ये आपने बेसिकली ये हमारे पास आई यू पी ए के रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपने इनको राइट डाउन करना है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है वट डू मीन बाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ए लेगेंट कि ये टोटल नंबर है बेसिकली बेसिकलीगेंट का अटैच टू ए सेंट्रल मेटल आइटम ये बेसिकली किसके साथ अटैच है सेंट्रल मेटल आइटम थ्रू इन दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से और दी नंबर ऑफ ए एटम ऑफ ए लिगेंड अटैच टू दी सेम सेंट्रल मेटल एटम किसके साथ अटैच होगा ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ अब एग्जाम्पल हमारे पास हेक्साडेंटेड लिगेंड हेक्साडेंटेड लिगेंड शुड भी क्या होगा काउंटेड एज द फॉर्मिंग सिक्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अब इस केस में छः कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन दे सकता है तो इसकी जो टेबल है इसको देखिए सबसे पहले हमारे पास चार्ज ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम जब ईजी पे चार्ज कितना होता है प्लस वन अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेसिकली वो कितना होगा टू कोपर टू पॉजिटिव होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एंड सिक्स हमारे पास बी आई थ्री पॉजिटिव है तो इसका सिक्स एंड फोर यदि हमारे पास जेड आर पॉजिटिव फोर पॉजिटिव की बात करें तो इसका एट एंड सिक्स ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर अब इसके अंदर किस सेंट्रल आइटम और लिगेंड कॉम्प्राइज द इंटर कोऑर्डिनेशन स्पेयर अब इस केस में जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर की डेफिनेशन की यदि बात करें जो सेंट्रल आइटम और लिगेंट है कॉम्प्राइज करेंगे इंटर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के रूप में कॉम्प्लेक्स आयन्स इंक्लोज इन दी स्केयर ब्रैकेट जो कॉम्प्लेक्स आयन होंगे बेसिकली वो इंक्लोज होंगे किसके अंदर स्केर ब्रैकेट के अंदर इट बिहेव एज ए सिंगल यूनिट इसकी एक बेसिक किसकी तरह बिहेव करेगा एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन स्पेयर क्या होता है कि द पार्ट ऑफ ए कंपाउंड प्रजेंट आउटसाइड ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो पार्ट है बेसिकली कंपाउंड का वो कहाँ प्रजेंट करेगा कोर्डिनेशन स्पेयर से बाहर अभी ने आउटर कोऑर्डिनेशन स्पेयर द कॉन्सिटुंट ए पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज ऑयंस दैट इज ए वन डिस्टेंस फ्रॉम देंट्रल आस और एसोसिएटेड विद इट अब देखिए इस केस में बच्चों इसको आपने समझना है इसको बिल्कुल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब ये हमारे पास ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या लिखा है सी आर एन एस थ्री का सिक्स और उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट है उसके बाद क्या लिखा है बाहर सी एल थ्री अब यदि सी आर की बात करो दिस इज अ सेंट्रल मेटल आइटम ये हमारे पास क्या है सेंट्रल मेटल आइटम एन एच थ्री की बात करूं तो इसको आप क्या बोलोगे दिस इज ए लीगेंट और जो सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं ये हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेंगे बेसिकली यहाँ पर लुइस एसिड की तरह, है? की तरह है और ये हमारे पास क्या है दिस इज़ ए लुइस बेस अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें छोटे वाली ब्रैकेट दिस इज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर अब जो सिक्स नंबर आपको दिखाई दे रहा था दिस इज ए कोऑर्डिनेशन आपका ये क्या होगा बेसिकली नंबर होगा ये हमारे पास क्या था छोटे वाली ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर अब जो सी एल थ्री बाहर निकाला दिस इज ए आयनाइजेशन स्फीयर इसको आप क्या बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ ए लिगेंट बीट लिगेंट कितने टाइप के होते हैं तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ए बॉन्डिंग साइट द नंबर ऑफ ए डोनर इन द कैन डोनरफाइड दैटेगरी इसकी अलग अलग कैटेगरी हमारे पास बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूनिडेंटेड लिगेंट क्या होते हैं कि वेन ए लिगेंट इज बॉन्डेड टू ए मेटल आयंस जो बेसिकली किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे मेटल आयंस के साथ थ्रू इन ए सिंगल डोनर आइटम जिसके अंदर बेसिकली क्या होंगे सिंगल डोनर आइटम सच ऐसे हमारे पास सी एल नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल या फिर एन एस थ्री की बात करें कि द लिगेंड इज सेट टू बी ए एनिडेंटेट इसको आप क्या बोलोगे यूनिडेंटेड लिगेंड्स नेक्स्ट हमारे पास डायडेंटेड लिगेंड जिसके अंदर हमारे पास एन एस टू सी एस टू और सी एस टू एन एस टू है दिस इज ए एथीन वन टू डाई एम आइन इसको हम बोलते हैं या फिर हमारे पास सी टू ओ फोर टू नेगेटिव दिस इज ए ऑक्सलेटो ये हमारे पास दो डाइडेंटेड लिगेंड या फिर इसको आप बाईडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीडेंटेट क्या होते हैं जिसके अंदर आपने बात करनी है ई डी टी ए फोर नेगेटिव की दिस इज इथाइलिन हमारे पास डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट दिस द इंपोर्टेंट हेग्जा डेंटेड लिगेंट ये हमारे पास किसका है बेसिकलीगजा डेंटेड लिगेंट्स का अब उसके बाद बेसिकली यदि बात करें बच्चों कोऑर्डिनेशन जो सेप है सेप ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास टू होता है तो सेप क्या बनेगी लीनियर तो इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है सी यू सी एल टू ए जी एन एस टू और ये सारे आपने करके देखने हैं डिटेल में हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा इसको उनको डाउनलोड करना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उन सभी का नेक्स्ट हमारे पास यदि कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है जिसको हम बेसिकली स्केर प्लेनर बोलेंगे तो स्केर प्लेनर में ये हमारे पास सारे एग्जाम्पल रहेंगे यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो इस केस में जो सेब बनेगी वो टेटरा हेड्रल बनेगी तो टेटरा हेडल वाले इस हमारे पास क्या है ये दिस इज़ ए ये हमारे पास टेटरा हेडल में रहेंगे यदि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सिक्स तो ये हमारे पास जो सेप बनेगी दिस इज एक्टा हैड्रल तो ये इसके अकॉर्डिंग आप इसको एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात करें तो इसका सबसे पहले हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग एजम्पन आर मेड एजम्प्शन का मतलब मानना इसको माना गया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेगेंट आर ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज जो लेगेंट्स होते हैं बेसिकली वो किसकी तरह ट्रीटेड करते हैं पॉइंट चार्ज की तरह सेकेंड हमारे पास देयर इज़ नो इंट्रैक्शन बिटवीन इंट्रैक्शन किसके बीच में नहीं होगी मेटल ऑर्बिटल और लीगेंट ऑर्बिटल्स के बीच में थर्ड पॉइंट हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ ए लेगेंट अराउंड सेंट्रल मेटल आयन सच दैट ऑफ ए रिपल्सन बिटवीन किसके बीच में रिपल्सन है दीज नेगेटिव पॉइंट इज ए मिनिमम कि जो अरेंजमेंट होगी लिगेंट्स की द सेंट्रल एटम जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आइटम सच दैट रिपलसन बिटवीन किसके बीच में है नेगेटिव पॉइंट चार्ज के बीच में वो मिनिमम होगी नेक्स्ट हमारे पास सप्लेटिंग ऑफ ए डी ऑर्बिटल एनर्जी डी ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है बेसिकली कि द फाइव डी ऑर्बिटल इज एन आइसोलेटेड गैसेज मेटल एटम और आयंस डी जनरेट इन दियर आप देखो बच्चों सब so, का मतलब है टूटना किसका डी ऑर्बिटल का उसकी जो एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि द फाइव डी ऑर्बिटल इज आइसोलेटेड अलग अलग क्या होती है बेसिकली उसकी गैसेज मेटल आइटम और आयंस होते हैं एंड डी जनरेट करेंगे वो किसको डी जनरेट करेंगे बेसिकली दैट इज देर आर इक्वल एनर्जी किसके अंदर बेसिकली फाइव डी ऑर्बिटल्स के अंदर कि इफ़ दे आर हमारे पास क्या है स्पेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ऑफ ए नेगेटिव चार्ज इज प्लेस अराउंड दी मेटल कि द ऑर्बिटल विल बी ए रिमेन्स डी ऑर्बिटल्स क्या होगा बेसिकली इसके अंदर आसपास पास होगा कि बट ऑल ऑफ देम विल बी रेज द एनर्जी रिजल्ट इन द रिजल्ट जो एनर्जी रेज होगी वो किसकी वजह से होगी रिपलसन बिटवीन द नेगेटिव फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल के बीच में नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी अब वीबीटी थ्योरी जिसे हम बेसिकली कहते हैं तो दिस थ्योरी में भी अज्यूम किया गया बेसिकली काफ़ी कुछ तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि द ओवरलैपिंग ऑफ ए टू हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ ए टू डिफरेंट एटम्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड तो किसकी फॉर्मेशन देंगे कोवलेंट बॉन्ड की अब ओवरलैपिंग कॉज ऑफ जो ओवरलैपिंग होगी उसका कारण क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन किसके बीच में टू बाउंडेड आइटम विल बी इंक्रीज कि दिस गिव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर किसकी बात की गई है कोवलेंट बॉन्ड की बात की गई है तो वो शेयरिंग करेंगे शेयरिंग करने से जो उनकी प्रॉपर्टी की स्टेबिलिटी होगी मोलिक्यूल्स की वो क्या होगी बेसिकली ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ए लोपिंग हमारे पास क्या हो रही है बेसिकली ओवरलैपिंग हो रही है एंड स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड और इस केस में क्या बनेंगे स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड बनेंगे सेकेंड हमारे पास इसके अंदर जो अज्यूम किया गया बेसिकली कि इन केस ऑफ ए अटोमिक ऑर्बिटल की प्रोसेस मोर देन ऑफ ए वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मोर देन ऑफ ए वन बॉन्ड आर फॉर्म्ड इसमें क्या होंगे एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और जैसे ही एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इट इटमीनस इसे एक से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन की फॉर्मेशन देंगे एंड द इलेक्ट्रॉन पेयड इन दी वैलेंस सेल कैन नॉट बी टेक द पार्ट ऑफ ए सच बॉन्ड फॉर्मेशन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयड हैं किसके अंदर बेसिकली इन ए बैलेंस सेल कैन नॉट बी टेक द पार्ट ऑफ ए बॉन्ड फॉर्मेशन वो पार्ट नहीं होगा किसका बॉन्ड फॉर्मेशन का नेक्स्ट हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इज अलोंग एंड रीजन द ओवरलैपिंग ऑफ ए अटोमिक ऑर्पिटल दैट इज़ क्या बोलेंगे इसको आप दिस इज ए कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल जो ये कोवलेंट बॉन्ड होंगे बेसिकली वो डायरेक्शनल होंगे नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है कि बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ऑफ एवरलैपिंग कि दे आर टू टाइप ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे सिगमा बॉन्ड एंड दिस इज ए पाई बॉन्ड अब उसके बाद है वर्नियर थ्योरी अब वर्नियर थ्योरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉस्टुलेट कर रहे हैं हम बेसिकली कि इन इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल आयंस एग्जीबिट आर ए सैटिस्फाइड बाय टू टाइप ऑफ ए वैलेंसी दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं बॉन्डिंग के लिए पहली हमारे पास प्राइमरी वैलेंसीज सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी वैलेंसी तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी वैलेंसी की कि प्राइमरी वैलेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए मेटल आयंस इज बैलेंस बाय किसके द्वारा बैलेंस होगा नेगेटिव आयंस बाई इन द के द्वारा इट इज़ ए आयनाइजेबल और नॉन डायरेक्शनल होगा ये सेकेंडरी वैलेंसी की यदि बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ये जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटल आयंस और मोलिक्यूल ऑफ एलिगेंट अटैच डायरेक्टली विद किसके साथ डायरेक्टली अटैच होंगे मेटल आयंस के साथ इट इज़ ए नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल फॉर्म के अंदर होंगे सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि एवरी मेटल हैज़ ए फिक्स नंबर ऑफ़ ए सेकेंडरी वेलेंसेज हर एक मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी फिक्स होगी इट हैज़ ए फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर और फिक्स ही क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो पॉस्टुलेट है कि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्टिव टू द फिक्स पोजिशन टू गिव ए डेफिनेट जियोमेट्री जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्टिव क्या होगी बेसिकली फिक्सड पोजिशन पर होगी इन ए डेफिनेट जियोमेट्री के रूप में ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर नेक्स्ट हमारे पास कलर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब कलर की बात हमने बेसिकली डी ब्लॉक चैप्टर में भी की थी तो यहाँ पर देखिए कि द कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ड्यू टू दबजॉर्बन ऑफ ए लाइट इन ए विजिबल रीजन ऑफ ए स्पेक्ट्रम एंड ए रेडियल कॉम्प्लीमेंट्री कलर अब इसके अंदर कि द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल जो एनर्जी है बेसिकली अब वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है किसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंट कर रहे हैं किसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर एंड गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल और एक्साइटेड कहाँ पर होगी हायर डी ऑर्बिटल के ऊपर एंड टू दी लोअर डी ऑर्बिटल के अंदर दिस रेडिएट एनर्जी विच कम बैक टू दी लोअर एनर्जी तो वो बेसिकली कहाँ पर आएगी लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल पर तो सिंपल सी बात है बच्चों जो कलर होगा बेसिकली कलर किसकी वजह से होगा ड्यू टू दी अपसेंस ऑफ ए हमारे पास ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ए अनपेड इलेक्ट्रॉन और यदि कंप्लीटली फील्ड ऑफर डी ऑर्बिटल होगा तो कलर को शो नहीं करेगा ये ध्यान रखना आपने डी डी ट्रांजिशन शो नहीं होगी उस केस के अंदर नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट नमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कोडिनेशन कंपाउंड का अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू और बी एम हमारे पास बोहर मैग्नेटोन एन हमारे पास के एन नंबर ऑफ ए अनपेड इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर द एक्सटेंट पैरामैगनेटिज्म इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से द लार्ज इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए म्यू एंड ग्रेटर इज द पैरामैग्नेटिज्म जितना ज़्यादा मैग्नीचूड होगा बेसिकली म्यू का उतनी ग्रेटर क्या होगा पैरा मैग्नेटिज्म होगा कंपाउंड का कि मैग्नेटिक मोमेंट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूशन अब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है यहाँ पर स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कि ए नॉन स्पेरिकल इन्वायरमेंट मे बी लेड टू द क्विचिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ऑर्बिटल ऑफ एंगर मोमेंटम अब इसमें हमने किसकी बात करनी है बेसिकली स्पिन ओनली मैगनेटिक मोमेंट की बात करनी है जिसके अंदर म्यू इफेक्टिव या फिर म्यू स्पेन इज इक्वल टू अंडर रूट ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आपने करना है मेनली ज़्यादा अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम तो ये आपके लिए एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे आप सभी के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक जय हिंद जय भारत